टू क्रिक साइंस, फास्ट बॉलिंग एक आर्ट या फिर एक साइंस। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप अपने बॉलिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके बॉलिंग स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फास्ट बॉलर के लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। लोग अक्सर आपसे कहते हैं कि फास्ट बॉलर के लिए हाइट होनी चाहिए, इस हिसाब से तो इन्हें दुनिया का सबसे तेज बॉलर होना चाहिए। तो क्या फिर फिटनेस जरूरी है? विराट से ज्यादा तो शायद ही कोई फिट हो, पर विराट 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से बॉल नहीं डाल सकते, तो फिर शायद स्ट्रेंथ होगा। इस हिसाब से तो रसल भाई साहब को दुनिया का सबसे तेज बॉलर होना चाहिए, पर वह भी नहीं है। तो क्या फिर एक शानदार एक्शन ही केवल फास्ट बॉलिंग के लिए जरूरी है? पर बुमराह का एक्शन तो क्रिकेट हिस्ट्री में ही अपने आप में ही एक यूनिक एक्शन है। तो फिर वह कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम एक फास्ट बॉलर के सभी पहलुओं को देखेंगे। फास्ट बॉलिंग मींस एक गेंदबाज जो तेज गति से लगातार गेंद डालता है, पर सवाल यह पैदा होता है कि कितनी तेज गति से। तो आइए सबसे पहले हम स्पीड के आधार पर बॉलर्स के टाइप को समझते हैं। 96 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे की गति के गेंदबाज को हम स्लो बॉलर कहते हैं। 130 से 141 किलोमीटर प्रति घंटे के बॉलर को फास्ट मीडियम और उससे ऊपर के बॉलर को फास्ट बॉलर कहते हैं। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊं। स्पीड बढ़ाने से पहले आपको यह तीन चीजें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, बॉलिंग सीक्वेंस, दूसरा बॉलिंग मैकेनिक्स, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड। तो आइए सबसे पहले बॉलिंग सीक्वेंस को समझते हैं। फास्ट बॉलिंग अलग अलग बॉडी मूवमेंट का एक सीरीज है, जिसमें रन अप, जंप, बैकफुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, रिलीज और फॉलो थ्रू होता है। इसी सीरीज को कंप्लीट करके हर बॉलर अलग अलग स्पीड से बॉल डाल पाता है। मान लीजिए आप 130 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालते हैं और अपनी स्पीड को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यह जानना अति आवश्यक है कि बॉलिंग के किस पार्ट का आपके टोटल स्पीड में कितना कंट्रीब्यूशन है। इन बॉलिंग पार्ट्स को कुछ इस तरह से समझें। रन अप मींस आपका रनिंग टेक्निक, जंप मींस प्रोसेस फॉर एक्शन, बैकफुट लैंडिंग एक्शन विद बेटर अलाइनमेंट, फ्रंट फुट लैंडिंग टू रिलीज, शोल्डर स्ट्रेंथ एंड आर्म रोटेशन, फॉलो थ्रू, यह पिछले सभी पार्ट में की गई मूवमेंट का रिजल्ट होता है। आइए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लो आपका स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें 50% रन अप का, जंप से बैकफुट लैंडिंग तक 20%, बैकफुट लैंडिंग से फ्रंट फुट लैंडिंग तक 20% और फ्रंट फुट लैंडिंग से रिलीज तक 10% आपके टोटल स्पीड में कंट्रीब्यूट करता है। पर सवाल यह उठता है कि आप यह परसेंट कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप फुल रन अप के साथ फुल एफर्ट से बॉल डालें और बेस्ट स्पीड नोट करें। उसके बाद केवल जंप और बॉल करें और स्पीड नोट करें। इसी तरह तीसरे टेस्ट में बैकफुट लैंड करके खड़े हों और बॉलिंग कंप्लीट करें और स्पीड नोट करें। चौथे टेस्ट में आप दोनों पैरों को फैलाकर सीसॉ वाले पोजीशन में आकर बॉलिंग करें और स्पीड नोट करें। आप देखेंगे कि हर टेस्ट में स्पीड अलग अलग आ रही है, आपको कुछ इस तरह से स्पीड प्राप्त होगा। इस स्पीड के अंतर से आपको हर पार्ट का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। आपके माइंड में अब यह आ रहा होगा कि अगर 130 किलोमीटर की रफ्तार केवल इसलिए घट रही है कि आप दौड़कर पूरे रनअप से बॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए जानें क्या कारण है रनअप आपके पूरे बॉलिंग को इफेक्ट डालता है। तो आइए देखें रनअप क्या सच में आपके पूरे बॉलिंग को इफेक्ट डालता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी के मैकेनिक्स को समझते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक मशीन की तरह काम करती है, जिसका उपयोग हम जितना बेहतर ढंग से करेंगे वह उतना बेहतर रिजल्ट देगी। इंसानी शरीर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेगमेंट सिस्टम से चलता है, जिसमें कुछ बड़े और छोटे सेगमेंट्स होते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां मींस मसल्स इन सेगमेंट पर फोर्स अप्लाई करता है और उसी फोर्स का उपयोग हम चलने, दौड़ने, उठने, बैठने के साथ साथ बैलेंस बनाने में भी करते हैं।
बॉलिंग के दौरान जो शरीर का भारी और स्लो मूव करने वाला सेगमेंट है उसे हमें पहले स्पीड के लिए आवश्यक मोमेंटम को जनरेट करने में यूज करना चाहिए, जिससे कि वह मोमेंटम हमारे शरीर के छोटे सेगमेंट में ट्रांसफर हो तो वह ज्यादा तेज गति के साथ मूव कर सके। जैसा कि रनअप में बॉडी सेगमेंट पैर टॉर्सो से हम मोमेंट जनरेट करते हुए मोमेंटम को स्मॉलर सेगमेंट जैसे अपर आर्म, फोरआर्म, हैंड, रिस्ट से बॉल तक पहुंचाते हैं। अब तक आपने समझा फास्ट बॉलिंग क्या है, फास्ट बॉलिंग की सीक्वेंस क्या होती है, बॉलिंग के प्रत्येक पार्ट का बॉलिंग के पूरे स्पीड में क्या रोल होता है, ह्यूमन बॉडी में किस तरह से सेगमेंट्स काम करते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, और बॉलिंग के प्रत्येक सीक्वेंस को किस तरह से आप स्पीड के नजरिए से टेस्ट कर सकते हैं। आइए हम समझें बॉलिंग में यूज होने वाले मोमेंटम को और पता करें कि किस तरह से आपको स्पीड जनरेट करने में हेल्प करती है। जैसा कि आपको पता है बॉलिंग स्टार्ट होती है रनअप से। यह रनअप प्रारंभ होता है ह्यूमन बॉडी के इनर्शिया ब्रेक करते हुए, अपने बॉडी सेगमेंट को यूज करते हुए, अपने वेलोसिटी को चेंज करते हुए, एक्सेलरेट करते हुए बॉलिंग के लिए भागने से। इसे ही हम रनअप कहते हैं। रनअप से जनरेट किया हुआ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कहलाता है, जो कि आपके फ्रंट फुट लैंडिंग तक चलता है। फ्रंट फुट के इम्पैक्ट होते ही यह लीनियर मोमेंटम ग्राउंड के ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के कारण एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी के बड़े सेगमेंट के मसल से होते हुए छोटे मसल से होकर बॉल के पीछे स्पीड पैदा करता है। तो ध्यान रहे, मसल ही लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। इस लीनियर मोमेंटम को बेहतर ढंग से आपका बॉडी मसल तभी यूज कर पाएगा जब वह इस तरह से ही ट्रेंड हो। तो ध्यान रहे, आप रनअप से जितना लीनियर मोमेंटम जनरेट कर पाए वह आपके लिए बेहतर होगा। इसी लीनियर मोमेंटम के बेहतर यूज के लिए ही कोचेस आपको हमेशा जंप के समय जंप आगे करने की सलाह देते हैं, ना कि जंप ऊपर करने की। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आपका परिचय फास्ट बॉलिंग से कराया। अब अगले एपिसोड में हम फास्ट बॉलिंग के प्रत्येक पार्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, जिससे कि आप अपने बॉलिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए खुद को साइंटिफिकली ट्रेन कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आप अपने फास्ट बॉलर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका यह छोटा सा हेल्प उसको काफी मदद कर सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक प्ले क्रिकेट, एंजॉय क्रिकेट विद प्रॉपर केयर एंड सेफ्टी। गुड लक।